हम एवोल्यूशन में अब पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मनुष्य का विकास। ठीक है, उससे पहले कुछ टर्म हमको जानने जरूरी है, जैसे कि आपका ऑर्डर है प्राइमेटा ऑर्डर है। ठीक है, प्राइमेटा यानी प्राइमेटा स्तनधारी वर्ग का ही एक गण है, और ये जो इसके जो जीव होते हैं वो वृक्षों पर जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी वो वृक्ष पर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, और इनको इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, इसमें आपके ऑर्डर प्राइमेटा में, ठीक है, टर्म समझनी जरूरी है आपको। इसमें आता है आपका प्रोसिमियन, मंकीज, एप्स, एप मतलब कपी, और होमोसेपियंस। ठीक है, प्रोसिमियन में आपके आते हैं कि जो बंदर और कपी जैसे नहीं होते हैं, इसमें लीमर है, टॉर्सियस है, ये बंदर जैसे भी नहीं होते और कपी जैसे भी नहीं होते। बंदर जो है वो नए वर्ल्ड के बंदर हैं, पुराने वर्ल्ड के बंदर हैं, दो प्रकार से उनको पढ़ते हैं। कपी में आपके चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगउटान और गिब्बन्स आते हैं। मनुष्य को तो आप जानते ही हो कि मनुष्य भी इसमें आता है। अब प्राइमेट्स के क्या ऐसे लक्षण हैं जो इसको स्तनधारी से अलग करते हैं। पहला है, इसमें जो अग्रपाद होते हैं वो वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, तो अन्य मैमल्स से प्राइमेट किस प्रकार से अलग होते हैं, आपने देखा होगा हम लोग वस्तुओं को पकड़ लेते हैं, हमारा जो फिंगर से वो 180 डिग्री पूरा टिल्ट हो जाती है, घूम जाती है। ठीक है, और प्राइमेट्स जो होते हैं एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं अधिकांशतः। ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़ दें तो। और हमारी जो प्राइमेट्स होती है इनकी दृष्टि बाइनोक्युलर होती है, द्विनेत्री दृष्टि होती है। द्विनेत्री दृष्टि मतलब हमारी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं, और हम आंखें जो है दो तरफ से, हमारी जैसे दो आंखें हैं तो हम किसी चीज़ को जब देखते हैं तो हमारी दोनों आंखें उसको एक ही जगह पर केंद्रित करके हमें एक प्रतिबिंब बना के दिखाती हैं, दो प्रतिबिंब हमें उसके नहीं दिखते हैं। ठीक हो, ठीक है, इसको स्टीरियोस्कोपिक विजन भी हम कह देते हैं। अगला है कि जो प्राइमेट्स होते हैं इनका मस्तिष्क बड़ा होता है, इनकी बुद्धि अधिक होती है, और इनमें पंजी के स्थान पर नाखून होते हैं, क्लॉज के स्थान पर नाखून होते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं ये सीखे गए व्यवहार पर अधिक ध्यान देते हैं, यानी ये सीखते हैं चीज़ों को। ठीक, उनके सेंस ऑर्गन काफ़ी तेज होते हैं। तो ये प्राइमेट्स के ऐसे लक्षण हैं जो हम अन्य स्तनधारियों से इसको अलग करते हैं। होता तो ये स्तनधारी है पर ये थोड़ा सा उनसे मॉडिफाइड है प्राइमेट। अब इसमें ये प्रोसिमियन है, मंकी है, एप्स और होमोसेपियंस है। ठीक, होमो बोलते हैं मनुष्य को। तो अगर आप इसमें से प्रोसिमियन को अलग कर दें, मंकी, एप्स और होमोसेपियंस को रखें, तो इसे हम एंथ्रोपॉइड्स कह देते हैं। अगर खाली हम एंथ्रोपॉइड्स वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब है इसमें मंकी, कपी और मनुष्य आते हैं। ठीक, अगला इसमें जैसे मैंने लिखा होमिनॉइड, होमिनॉइड में आपके आते हैं एप्स और मनुष्य। दूसरा है होमिनीड, एक ये होमिनॉइड्स है, ये होमिनीड है। होमिनीड में केवल मनुष्य आता है जो दो पैरों में चलने में सक्षम होता है। ठीक है, और दो पैरों में चलने को बोलते हैं बाइपिडलस, बाई मतलब दो, बाइपिडलस। ठीक है, होमो मनुष्य प्रजाति का एक वंश है, ये आपको पता है। अब इसमें कपी जो है उसको मनुष्य का काफ़ी क्लोज माना गया है, बंदर को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, हमारे क्लोज कौन है, कपी। ठीक है, तो कपी और मनुष्य में क्या अंतर है, जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग से जुड़ी होती है, ये हमारा स्कल होता है, तो इसके मध्य भाग से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, जबकि कपी में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पीछे भाग से जुड़ी होती है, ये अंतर है। और इसमें जो कपी होता है इनकी रीढ़ की हड्डी वक्रीय होती है, कर्व होती है इस प्रकार से, या इस प्रकार से, तो ये झुके होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, देखिए ऐसा आकार की। ठीक है, ये इस प्रकार की हड्डी होने से हमें सीधे खड़े होने में सहूलियत होती है। अगर हमारी हड्डी सीधी होती ना, हम सीधे खड़े नहीं रह पाते, हमारा बैलेंस नहीं बन पाता। श्रोणि मेखला जो कपी होते हैं उनमें लंबी और संकरी होती है, नैरो होती हैं। मनुष्य की श्रोणि मेखला प्याली के आकार की होती है, कटोरी नुमा होती है। कपी में जो पैर की हड्डी होती है वो बाहर की ओर घूमी होती है, जैसे बाहर की ओर घूमी मतलब हमारी जो मनुष्य होती है उनकी पैरों की जो जंघास्थि होती है, फीमर होती है, वो अंदर की तरफ टिल्ट होती है, हमारी हड्डी इस प्रकार से होती है। ठीक है, इनकी हड्डियाँ, इनकी पैर की हड्डी इस प्रकार बाहर की ओर घूमी होती है, यानी जो कर्व पोर्शन है वो बाहर को होता है। इनके पैर के तलवे चापदार नहीं होते, यानी उनमें बीच में कर्व नहीं होता, जैसे हमारे पैर होते हैं वो बीच में से क्या होते हैं, थोड़ा सा उनमें गड्ढा होता है, चापदार होते हैं,
और इनके पैरों का अंगूठा समकोण पर होता है, यानी जैसे पैर की उंगलियां हैं तो अंगूठा इस प्रकार से होगा। हमारा अंगूठा समकोण पर नहीं होता बल्कि पैरलल माना जाएगा उसको। तो इनका पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे की बात कर रही हूँ मैं, जैसे हमारे हाथ का अंगूठा ये समकोण पे है हमारी और उंगलियों से, है ना, इनके पैर का अंगूठा भी ऐसा ही होता है। हमारे पैर का अंगूठा ऐसा नहीं होता है, ठीक, हमारे पैर का अंगूठा और उंगलियों के समानांतर चलता है। कभी चार पैरों पे चलते हैं, मनुष्य दो पैरों पे चलता है, बाइपेडल लिखा है मैंने। कभी की मनुष्य मस्तिष्क क्षमता बहुत कम है, 350 cc, ठीक है। सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेन बोलते हैं हमारे मस्तिष्क के बॉक्स को। मनुष्य की मस्तिष्क क्षमता है 1350 क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। अब मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है ह्यूमन इवोल्यूशन का, आपको बहुत आसानी रहेगी इससे। देखिए कपी और मनुष्य मैंने आपको समझा दिए क्या होते हैं। अब देखिए 1500 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले इनके मतलब जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म के आधार पर हम इनकी बात कर रहे हैं। तो 1500 मिलियन ईयर एगो जो भी हमारा पूर्वज रहा होगा वो कॉमन रहा होगा, एप्स के लिए भी और मनुष्य के लिए भी, कपी के लिए भी और मानव के लिए भी वो कॉमन था। तो इसमें जैसे सबसे पहले ये ड्रायोपिथिकस नाम है, ड्रायोपिथिकस, ये कपी जैसा था, ठीक है। इसका फॉसिल्स मिला है और फॉसिल से ऐसे पता चला कि ये मायोसीन एरा का है, जो मैंने आपको घोड़े में कल्प बताए थे ना, युग बताए थे, तो ये मायोसीन एरा का है। और रामापिथिकस, रामा नाम रखा गया राम पर, भगवान राम पे, ठीक है। रामापिथिकस ये जो मैन लाइक एप था, यानी कपी था लेकिन वो मनुष्य की तरह दिख रहा था, ठीक है। वैसे भी हनुमान जी को कपी ही माना जाता है, ठीक है। सुग्रीव, जामवंत और ये सब आपने देखे होंगे, ये कपी थे और ये मनुष्य के साथ रहते थे और इनका विवाह मनुष्य से भी होता था। क्या आपने जो जामवंत और बाली थे इनकी पूंछ थी, इनकी पत्नियों की पूंछ थी? नहीं थी, क्योंकि इनकी शादी मनुष्य से हुई, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर क्या थे, हैवी एंड वॉक्ड सिमिलर टू चिंपैंजी, ये क्या थे, काफ़ी भारी थे और ये चलते थे और ये चिंपैंजी की तरह दिखाई देते थे। फिर 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व जो है मैन लाइक प्राइमेट्स आए, ऐसे प्राइमेट मैंने भी आपको बताया था, प्राइमेट में सब आ जाते हैं, तो ऐसे प्राइमेट आए जो मनुष्य की तरह दिखने लग गए थे, ठीक है। ये लेकिन ये लंबे नहीं थे और ये बट वॉक स्ट्रेट, सीधे चलते थे, ठीक है। चलना आप देखा होगा जो कपी वो झुक के चलते। फिर 2 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ कि एक जीव मिला है खुदाई में, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलिया में मिला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये ह्यूमन लाइक होमिनिड्स था, होमिनिड्स मैंने अभी बताया आपको, जो दो पैरों में चलता है और ये बिल्कुल मनुष्य की तरह था, ठीक है। एक कनेक्टिव लिंक माना जाता है इसको, संयोजी कड़ी मानते हैं मनुष्य और मानव के बीच में। इसकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो 650 से 800 सीसी थी, ठीक है। ये 650 से 800 रेड में मैंने लिखा है सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। तो ये क्या करने लग गया था, स्टोन वेपन, पत्थर के हथियारों का प्रयोग करने लग गया था, फ्रूट्स ये खाने लग गया था, जो फल वृक्ष होते थे फल ये खाता था। ह्यूमन लाइक मनुष्य की तरह था, ब्रेन की कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी, लेकिन ये मीट नहीं खाता था, ठीक है, ये फल खाता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की मैं बात करूँ तो मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस को रेमोन डार्ट ने डिस्कवर किया था, इसके फॉसिल्स को, जीवाश्म को। इसमें बाइपेडल यानी दो पैरों से चलने वाला लोकोमोशन था ड्यू टू लंबर कर्व। इसकी जो लंबर हड्डी होती है, लंबर होती है आपकी कर्व की जो हड्डी होती है ना पीछे रीढ़ की, उसमें कर्व था। तो कर्व मैंने भी आपको बताया, अगर हमारे में ऐसा कर्व नहीं होता तो हम सीधे नहीं चल पाते, ठीक है। इस प्रकार का कर्व इसमें था। अगला जो है नेक्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देखिए सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, फिर एक कॉमन मैन लाइक प्राइमेट्स आया, उसके बाद हमने माना कनेक्टिव लिंक बिटवीन मैन एंड एप्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर 1.5 मिलियन ईयर्स एगो हमें मिले होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस यानी ये होमिनिड्स थे, ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर है, यानी ये मनुष्य के बहुत नज़दीकी पूर्वज हैं, ठीक है। और इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, डिस्कवर फायर, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी, और ये मीट खाते थे। आग के आविष्कार के बाद क्या हुआ, ये जंगली जानवरों को पका के खाने लगी। अब मैं आपको बताती हूँ होमो इरेक्टस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी।
देखिए होमो इरेक्टस जो था इसके फॉसिल्स को 1891 में ढूंढा गया था। ठीक है, ये दो प्रकार इससे मिले हैं, दो प्रकार दो जगह मिले हैं। सबसे पहले मिला जावा से, जावा कंट्री से, तो इसे जावा एप मैन कह देते हैं। इसका नाम है होमो इरेक्टस इरेक्टस। ठीक है, जावा मानव भी इसको कहते हैं, आपकी किताब में जावा मानव मिलेगा। तो ये मानव मनुष्य के बहुत क्लोज पूर्वज माने गए हैं, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर इनको कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ही अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर। ठीक, दूसरे चाइना से मिला था पेकिंग मानव, जावा मानव और पेकिंग मानव। इसका नाम था होमो इरेक्टस पेकिनसिस। क्लियर हो गया आपको, ये आपके होमो इरेक्टस में दो मैंने आपको सब स्पीसीज बता दी। उनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 cc। उसके बाद 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व जो है हमें फोर रनर ऑफ मैन यानी मनुष्य का पूर्वज मिला, नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव, नियंडरथल घाटी में इसका जीवाश्म मिला है। इसकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी मनुष्य से 1400 cc। फिर इसके बाद डेवलप हुआ क्रोमैग्नन मानव, क्रोमैग्नन मानव की ब्रेन कैपेसिटी थी 1660 cc। फिर होमो सेपियंस बना और आज आधुनिक मानव बन गया होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो ब्रेन कैपेसिटी की लगभग 1400 cc मानी गई है। और ये यूज हाइट्स और डेड बॉडीज़ को ये जलाते थे। इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, खेती करना स्टार्ट कर दिया था। और ये क्या करते थे जो है आर्ट वगैरह बनाना, ये सब काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस सेपियंस है, इसकी भी अलग अलग जातियाँ मिटती है, नीग्रो और आपका कॉकेशियन, ईस्टर्न, मंगोलियन। ठीक है, ये अलग अलग जातियाँ आज भी मिलती हैं। हमने देखा होगा अफ्रीका के लोगों का चेहरा बिल्कुल अलग होता है, एशिया के लोग अलग होते हैं, तो ये डिफरेंट प्रजातियाँ हैं। तो इन्होंने आपको याद रखना कि जो आधुनिक मानव उसकी ब्रेन कैपेसिटी 1350 से 1400 cc के बीच में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी थी क्रोमैग्नन मानव की। तो ये मानव विकास की कहानी है। ठीक है, सबसे पहले एपेक्स कपी जैसे थे, फिर ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमोहेबिलस, फिर होमो इरेक्टस। ठीक है, और फिर होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये आपका इवोल्यूशन का चैप्टर ख़त्म है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्ट, सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। थैंक यू फॉर टुडे।